अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चिकन करी बनाना सिखाएंगे। ये बहुत मतलब सारी चिकन से बहुत हटकर होती है, मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, खट्टा खट्टा सा थोड़ा सा। ये मेरे पास 1 किलो लेग पीस है, यहाँ पे लेग पीस ही मिलते हैं, पूरा चिकन नहीं मिल पाता है। और मैं स्टार्ट करती हूँ आज चिकन करी बनाना। मेरे पास चिकन है, ये मेरा गरम मसाला है जिसमें मैं आपको सामान लेके बताऊंगी कि क्या यूज करना है। ये मैंने 3 प्याज इस तरह से काट ली हैं। ये मेरे पास 2 टमाटर हैं जो मैंने स्क्वायर शेप में काट लिए हैं, आपके ऊपर है आप कैसे काटेंगे। ओके, ये मैंने 3 हरी मिर्ची ले ली हैं जिसको मैंने ये आधा आधा टुकड़ा कर लिया है। ये मेरा होममेड मतलब मसाला है, मैं आपको उसे जब नेक्स्ट वीडियो होगी तो मैं उसमें आपको बनाना सिखाऊंगी। ये 2-3 थोड़ी करी लीव्स ले ली है मैंने ये, और मेरे पास सैल्ट, होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल मतलब धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। बहुत इजीली बनती है ये, बहुत और बहुत अच्छी भी बनती है। कर दिया है, इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल ले लूंगी। आप जैसा ऑयल खाते हैं, जैसे में मैं कम खाती हूँ तो आप इससे 2 चम्मच ले लें। थोड़ा सा देख लें कि आपको थोड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है। जैसे ये मैंने 2 करी लीव्स बड़ी वाली ले ली हैं, ये 2 स्ट्रीक ले ली हैं, और ये काली मिर्च है। लौंग नहीं लेना है क्योंकि लौंग का टेस्ट उसमें नहीं आना। ये जैसे मैंने ज्यादा नहीं डालना क्योंकि बच्चे अक्सर के निकाल देते हैं, बस थोड़ा सा टेस्ट आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। तो ये मेरे पास 2-3 हो गई हैं, ये मैंने मसाला ले लिया है। ओके, मैं अपनी गैस ऑन कर दी है मैंने, इतना कोई ना देखे। अगर आप इस तरह से डाल के चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑयल हुआ है या नहीं हुआ है, हमारा ऑयल लगभग हो गया। आप सारे इसमें ऑनियन डाल दें, मसाला पर गरम मसाला ये भी डाल दें, फ्लैम थोड़ा तेज कर दें। इसको हल्का सा ये है कि इसको थोड़ा आपका प्याज लगे कि गल जाए। अभी थोड़ा सा और इसको पका लें। अभी हमारी प्याज थोड़ी कड़ी है, मतलब प्याज को गोल्डन फ्राई नहीं करा है क्योंकि इसको आधी कच्ची रख रेड पीस डाल दी है। देख रहे हैं आप, प्याज आधी ही हुई थी, मतलब आधी पक गई थी, मैंने इसमें चिकन डाल दिया है क्योंकि इसको आपको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है सिर्फ। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लें, चिकन को अच्छे से खूब थोड़ा सा पक जाए आपका। आप गैस को तेज देख रहे हैं कि थोड़ा सा चिकन हो चुका है। अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे और करी लीव्स अभी नहीं डालना है क्योंकि इसको हम बाद में इसको मैं 2 चम्मच डाल दूंगी। मेरे टेस्ट के हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं चीज़ों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे हैं कि अभी इसको हमें चलाना है। ये देख रहे हैं आप कि अभी तक मैंने इसको अच्छे से पकने ही दे रही हूँ क्योंकि अच्छे से जिंजर गार्लिक हमने पेस्ट डाल दिया था, फिर हमने चलाया था इसको अच्छे से। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी क्योंकि मेरा जो चिकन है वो लगभग अच्छे से मिक्स हो गया है जिंजर गार्लिक पेस्ट में। अब मैं जो ये मेरा होममेड मसाला था मैंने डाल दिया, मिर्च भी डाल दी है, जैसे मेरे पास 1 चम्मच हल्दी पाउडर, चम्मच आप जैसा खाते हैं ऐसा डाल दिए।
हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो 3 चम्मच नमक डाल दिए, मसाले में मिला देंगे। देख रहे हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। और पापा टिप्स हैं वो भी डाल देंगे, थोड़ी खुशबू आ जाए। और जो उसका ढक्कन है वो लगा देंगे, क्योंकि प्याज है आपकी वो हो जाए अच्छे से, मसाला बन जाए। मैं बिल्कुल रेडी हो गया है और आप देख रहे हैं कि ये जो ऑयल है ये सरफेस पे आ गया है, तो हमारा मतलब अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी और इसे सर्व करूंगी। आपके चॉइस के ऊपर राइस नान जिसके साथ आप खाना चाहें खा सकते हैं। जैसे देखिए आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और बहुत अच्छा, देखिए सरफेस पे ऑयल आ गया है जैसा हमें चाहिए था, वैसे हमारा रेडी हो गया है। मैं अब सर्व करूँगी, सर्व के लिए पाइप टॉवल ले लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा बिल्कुल रेडी हो।